हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़ैम इज़ ज़ायका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये बच्चों के साथ बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, तो रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक बड़े पैन में हम थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे। उसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। जब पानी हमारा बॉईल होने लगेगा, अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पास्ता। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और पास्ता को बॉईल होने देंगे। बीच बीच में चम्मच चला देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम पास्ता निकाल कर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। उसके लिए हम पास्ते को बीच से कट मारेंगे। जब पास्ते को हम कट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा टाइटनेस है और ये इजीली कट रहा है। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे छन्ने में छान लेंगे। छन्ने में पानी निकलने के बाद हम इसमें सादा पानी डालकर थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे, जिससे पास्ता ओवर कुक ना हो जाए और ये आपस में चिपके भी नहीं। अगर आपने पास्ता पहले ही बॉईल कर लिया है और थोड़ा टाइम लग रहा है इसे पकाने में, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लेकर आप लगा दें, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो में रखेंगे, जिससे बटर हमारा जल ना जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम 8 से 10 सेकंड के लिए बस पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जैसे क्यूब शेप में कट किया हुआ शिमला मिर्च, 1/2 कप स्वीट कॉर्न, अगर आपके पास गाजर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन ऑलिव था, इसलिए मैंने उसका भी यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप डालिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन वेजीज को हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जिससे इनका कच्चापन चला जाए। 4 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब दूसरा फ्राई पैन लेंगे, उसमें भी हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मक्खन। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। मक्खन जब हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा। इसे हम 3 से 4 मिनट तक मक्खन के साथ भून लेंगे। मैदा अच्छे से पक गया है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए मैदा लास्ट तक में थोड़ा सा फूलने लगता है। ये देखिए, मैदे का चिपकना बंद हो गया है, ये थोड़ा सा फूल गया है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक गया है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे इसमें लंग्स ना पड़ जाए। इसमें मैंने 1/2 लीटर दूध यूज़ किया है। धीरे धीरे करके वो दूध भी हम इसमें डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसे हम जब तक मिलाएंगे जब तक हमें वाइट सॉस की अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक हम पास्ता में पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अब इन सभी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो में कर देंगे। वाइट सॉस परफेक्टली बन गया है। इसकी पहचान के लिए आप कोई भी बड़ा चम्मच लें, उसमें डिप करें और उसके बैक साइड में अगर इसकी एक लेयर जैसी बन जाती है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। अब इसी स्टेज पर हम पकी हुई वेजीज और साथ ही बॉयल किया हुआ पास्ता भी ऐड कर देंगे और इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अभी तो मैंने एक ही इंग्रेडिएंट तो डाला ही नहीं, वो है चीज़। इसे मैं अब यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे सॉस बनाने के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, चीज़ भी पड़ गई। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बस जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व भी करते हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी मेरे बताए हुए मेथड से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल में नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई और भी रेसिपी की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें मुझे यानी हुज़ैमी ज़ायका को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।